मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नवं गोपीकुमारं। तो ये श्री कृष्ण कैसे हैं? ये नटवर शेखर है, ये नाचने वालों में सबके सरदार, सारे जगत को नचा रहे ना ऋषि मुनि मानव दानव देव असुर सब के सब, उनकी एक एक संकेत की कला पर नाच रहे सब। तो ये नाचने वालों में शिरोमणि नटवर वपु करने वो करने कारण है ना वहां पर, और ये हमेशा नचनिया बने रहते ब्रज के नचनिया शान है, ब्रज के नचनिया शाम इनको कोई नचा ले, माखन का लूंगा दिखा के नचा ले, छाछ दे के नचा ले, और उनका चलता हुआ ये जो चलते थे नाचते चलते, इनका चलना ही नाचना, इनका खड़े होना ही तीन टेर बना करके ऐसा मैंने नाचते हुए खड़े, नाचने की भंगिमा इनकी खड़े रहने पर भी और गाने की भंगिमा इनके बोलने में भी, जो बोले मानो गाने गा रहे हैं। इस प्रकार के नटवर शिरोमणि श्री कृष्ण ये काली के सहस्त्र सहस्त्र फणों से युक्त मस्तक पर चढ़ गए और नाना प्रकार की भंगिमाओं से लगे नाचने, ये नया नृत्य इन्होंने आज किया। तो ये जो नाचने का कौशल दिखाने वाले, कौशल जानने वाले जो नट होते हैं, वे भी अपनी नृत्य कला दिखाने के लिए किसी मिट्टी के सकोरों पर, सरागों पर या रज्जू पर, रस्सी पर, ये लोग नाचा करते, नट लोग दिखाया करते हैं ना, रस्सी पर चलते हैं, नाचते हैं। तो ये जो है श्री कृष्ण, ये तो इन सारी कलाओं के नृत्य गीता जी के आज गुरु, ये सारे आचार्यों के आचार्य ऐसे। तो ये बजराज नंदन, ये अनुरागवती ब्रज बंधुओं को आज अपना नाट्य कौशल दिखाना चाहते हैं। सब खड़ी है ना आज सारा ब्रज वहां पर, वो प्रेक्षक बनकर खड़ा है, सब दर्शक मंडली खड़ी। तो अनुरागवती ब्रज बंधुओं इनको और नंद गोप यशोदा मैया, इनको भी ये दिखलाना है कि देखो भाई, लागू कर देना है अपनी निरामयता दिखलाने के लिए, अपने बस सुचंचल चरणों के द्वारा काली नाग के फणों पर करने लगे नृत्य। तो कहते हैं कि जिनके माया नाट्यों से अनंत कोटि ब्रह्मांड और उसके धूल कण से सुमेरु पर्यंत सब प्रकार के जड़ वस्तुओं, कीटाणुओं से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सारे चेतन जीव निरंतर नाना भाव से नाच ही रहे, ये नचाने वाला सारे जगत को अपनी माया, अपनी माया नाट्य से निरंतर नचा रहा है। आज वो नटराज स्वयं, आज उस नटराज का नाच देखकर और गौड़ विश्व सेना विष्णु पार्षद
ये बस ताल और लय के साथ बोले, आज तो मौका लगा, ऐसा नाचने वाला कोई नहीं मिला। विष्णु भगवान नाच देखते हैं, नाचते नहीं। जरा अपने मर्तबे से देखते हैं, नाचने वाले थोड़ी बने हैं, प्रौढ़ हैं वो। ये सबके सरदार है तो वहाँ सिंहासन आसीन रहते हैं, तो नाच देखते हैं उन मठों का, पर वो खुद नहीं नाचते। और आज मिठराज को नाचते हुए देखकर सबको नचाने वाला आज नाच रहा। ये विश्वक सेवादि विष्णु पार्षदों ने, भगवान के नित्य पार्षदों ने वैकुंठ से देखा कि आज बड़ा मजा, आज तो हमारे स्वामी नाच रहे हैं, आज तो मिठराज नाच रहे हैं। तो विष्णु पार्षदों ने देखा कि आज ताल और रे मिला के इनके साथ ही नाचो। फिर तो ताल लय का अनुसरण करके परम आनंद से उनके लीला और गुणादि का गान करने लगे, नाचने लगे। देवचारिणी ने देखा कि बस आज मौज है, वो नृत्य के ताल ताल में अपना मृदंग बजाने लगे। बोले आज इसके साथ ये ढोलक बजे हमारी, मृदंग बजे हमारा, तो सार्थ। आज तक तो देवताओं के साथ, देवताओं को मुग्ध करने वाले गंधर्वों के साथ नाचे, उन लोगों के साथ ताल दिया, मृदंग बजाई, ये स्वयं बड़ा नाचने के आज ही मिला मौका। और नाचना भी कहा सांप के फनों पर, तो महाराज ये सारे के सारे लगे नाचे। तो देवताओं ने, देव बधुओं ने देखा कि ये मौका फिर मिलने का नहीं, तो नंद कानन से, वो नंदन कानन से मंदार पारिजात पुष्पों का चयन किया उन लोगों ने, और परम आनंद से श्री कृष्ण के महात्मा का कीर्तन करते हुए ऊपर से ताल के साथ, भला ऐसे नहीं, उनके चरणों पर जाकर के तो पड़े और ताल टूटे नहीं, और ताल के साथ पड़े। इस प्रकार से उन्होंने पुष्पों की वर्षा शुरू की, ताल के साथ पुष्प बसाने लगे, लगातार हो, कहीं बीच में ताल टूटे नहीं, और चरणों पर ही गिरे नाचते हुए चरणों की पूजा। तो नंदन नंदन किस प्रकार से फूल बरसाकर पूजा करने लगे, तो सारा यमुना का तीर और नीर दोनों ही वो देव पुष्पों से आच्छन्न हो गया, सब ढक गया। वो सिद्ध गण, वो बस उन्होंने देखा कि आज अपने सिद्धों का काम है, सिद्ध क्या करते हैं, ये भगवान के लिए अंगराग का जुगाड़ किया करते हैं। सिद्ध लोग भगवान क्या करे, सिद्ध लोग कोई और काम हुआ तो है नहीं, सिद्ध ही हो गए तो भगवान के अंगराग का की व्यवस्था सिद्धों को जुम्मन होती है। तो हरिचंदन कुमकुमादि जो दिव्य सुगंधि वाले, इन सबको ले ले करके ऊपर से बरसाने लगे। पुष्प हुआ गंध तो बरसाने लगे, तो दशम दिशाएं उस सदगंध से प्रमुदित हो गई। और नारदादि ने देखा, शंकादि मुनियों ने देखा कि आज बड़ा सुअवसर है, तो आज ये श्री कृष्ण की दुष्ट दमन लीला का महात्म्य, ये लोग बस उस वर्ष स्तुतियों के द्वारा, ये 5 वर्ष के बच्चे बड़ा सुंदर गाते, उनका कंठ बड़ा सुंदर, शंकादि गाया करते, गान करते हैं, भगवत गुणगान करने में ही इनका जीवन बीतता है। हमेशा हरि शरण मंत्र इनके मुंह से निकलता रहता है निरंतर। नारद ने कहा, रे शंकादि हम जान गए, तुम ये 5 वर्ष के बच्चे तुम रहते हो, ये तो हम जान गए। ये क्या जान गए, वो हरि शरण मंत्र का जाप करते हो इसलिए रहते, ये बढ़ने में तुमको हमेशा सुकुमार रखता है, तो ये गान करने लगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण के काली मस्तक पर होते हुए उनके हृदय पर लंबी लंबी जो फूलों की मालाएं झूल रही थी बनमाल, और उनके बदन कमल से सुमधुर बेनरंभ के द्वारा स्वर निकल रहा था, और अंगुलियों से वो संयोजित था, और सुंदर उनकी केश राशि, बड़े घुंघराले काले भगवान के केश, और उस पर वो उसका चूड़ा बंधा हुआ, और चूड़े में मयूर पिच्छ बीच में लगाया हुआ,
और इस प्रकार के वेश में ये नटवर वेश, इस प्रकार के वेश को धारण किए हुए ये परमानंद में निमग्न प्रमत्त हो गए श्याम सुंदर, और ताल के साथ ताल मिला करके नाचने लगे। अभिनव शोभा हुई तो नटवर शेखर श्री कृष्ण मन अपने अंग प्रत्यंग से आरंभ करके जमुना नीर जमुना तीर तीरस्थ गोदोप गोपी दूर के दक्ष रथा आकाश के देवता सभी के अंदर में सभी के हृदय में मानो एक नए भाव की तरंग ला दी और सब परमानंद में झूमने लगे और ये चला नृत्य बड़े जोर से। परंतु इस परमानंद के स्रोत में भी अभी तक बहिर्मुख ये कार्य के का हृदय बहा नहीं लगी, बह नहीं गया अभी। इस भाव की तरंगों ने अब तक उसके हृदय को स्पंदित नहीं किया। सकल मन सभी प्रकार के नटों के गुरु शरणागत वांछा कल्प गुरु स्वयं भगवान को अपने सिर पर पा करके भी वो अब तक परमानंद से उनके साथ नाच नहीं सका। उसके हृदय की हिंसा वृत्ति अभी निवृत्त नहीं हुई, अब भी वो ऊपर में जीभ निकाल करके श्री कृष्ण के चरणों को दंशन करने के लिए और सिर हिलाए ना के वे से उनको यमुना में गिरा देने के लिए चेष्टा करने लगे। देव चेष्टा और तो कोई उपाय था नहीं, हाथ पैर तो थे नहीं बेचारे के, या सिर हिला के नीचे डाल दे और या जीभ ऊपर करके काटे। तो कहते हैं कि काली नाग के छत्राकार छत्ते की भांति 100-1000 फन रहे, छाते की तरह से गोलाकार, और उनके बीच में 100 फन ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े थे और वे बड़े उग्र विष वाले थे और बड़े प्रबल थे 100 बीच वाले, और आसपास जो 900 थे वे छोटे आकार के थे और उनमें इतना विष नहीं था। तो काली अपने मस्तक पर नाचने वाले श्री कृष्ण के चरणों को जब दंशन करने के लिए चेष्टा करने लगा तो जो विष वाले थे बड़े फण उन्हीं को पकड़ने लगा, उन्हीं में था विष ज्यादा, छोटे में तो था नहीं, तो एक एक करके उनको ऊंचा करने लगा और वो गले को ऊंचा करके श्री कृष्ण के चरणों को काटने की चेष्टा करने लगा। तो दुष्ट की चेष्टा फलवती हुई नहीं, तो दुष्ट दमनकारी भगवान ने नाच करते करते वो इस प्रकार से ताल देने लगे चरणों के आघात से, ताल देते हैं ना तो चरणों के आघात से वो ताल देने लगे, उठे हुए प्रत्येक फण पर फन उठा के बस इस प्रकार से तो वो लगे ताल देने भगवान। तो काली नाग के वो जो बड़े प्रबल और बड़े बड़े जो फण थे वो टूट टूट कर लंबे हो गए सामने, इस प्रकार से गिरने लगे पादर, इस प्रकार से विविध भंगिमाओं के साथ काली के मस्तक पर नृत्य करते करते नृत्य गति से घूमने लगे वो इस पर उस पर उस पर पैर देते हुए और ताल ताल दिखलाते हुए दुष्टमन राजानंद में जो है ऐसा हुआ कि दरासी देर में जो 100 फन थे वो सब टूट करके और सब लंबायमान हो गए। तो श्री कृष्ण के बार बार चरण प्रहार से बड़े मृदुल, और इसके लिए तो बदल से भी अधिक कठोर, ये जब माता के गोद में आते श्री कृष्ण तो फूल से कोमल, उनके चरणों की कोमलता का तो कोई ठिकाना ही नहीं, लेकिन जब यही चरण किसी दुष्ट के छाती पर रखे जाते हैं तो मानो पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर, वज्र गिर गया, तो इस प्रकार से मतप्राय हो गया और वे ऐसा उसको दिखा कि मैं सारा जगत घूम रहा है। चक्कर आने लगे बेचारे को,
और छत पर करके वो बड़ा थका हुआ इधर उधर घूमने लगा। अब उसमें घूमने की भी ताकत नहीं रही, उसको सारे जगत में अंधेरा दिख रहेगा, आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुख से अब वो वैसे ही झाग की तरह से वो विष दमन करने लगा और उसके नासाओं से खून की धाराएं बहने लगी, रक्त की धारा बहने लगी, बिल्कुल निस्पंद सा हो गया, निश्चेष्ट होकर के और सिर तो नीचे हो गया फिर बेचारे के, तो वो बस खड़ा रह गया। इस प्रकार से अत्यंत निग्रहित होने पर भी अब तक भी कार्य में दुष्ट बुद्धि रही और हिंसा वृत्ति अब तक रही, वो जब अत्यंत थक गया और व्यथित हो गया तो खड़ा रहा, तो थोड़ा सा सुस्ताया, जरा सा बल दिखा कि बस फिर सिर को उठाने लगा, जहां सिर उठाया और आंखें चोरी की, भगवान ने फिर वो ताल लगाई एक, तो सारी चेष्टा उसकी व्यर्थ हो गई। अब वो जो उसके हैं उनकी चेष्टा बंद हो गई और क्योंकि भगवान ने सारे मस्तकों को अकर्मण्य कर दिया, भगवान नंदन ने दुष्ट काली का दमन करके अब वो मजे में नाचने लगे। अब बेचारे के फण वो नीचे तो उठे हुए थे ही, पर अब कुछ नहीं रह गया, तो देवता गंधर्व सिद्ध चारण ये सब इन सब की पूजा से प्रसन्न होकर के उन पर कृपा करके मानो कार्य ने कार्य का निग्रह किया, क्योंकि कार्य देवद्रोही था, गरुड़ का महाशत्रु था, तो देवता कार्य के विष के भय से कुछ भी कर नहीं सकते थे और गरुड़ यहाँ पर आ नहीं सकता था, तो गरुड़ भी कुछ कर नहीं सकता था। तो किंतु आज श्री कृष्ण की परम कृपा से देवताओं का जो शत्रु कार्य निग्रहित हो गया, उसके फण सारे टूट गए और विषवीर विहीन हो गए, गरुड़ादि पार्षद और देव चारण सिद्ध मुनि ये शेष नाग के पर्यंक पर सोने वाले नारायण की जो स्तुति किया करते हैं, वे स्तुति करते हैं शेष साई की, पर उन्होंने ये भुजंग विहार नहीं देखा था आज तक। शेष नाग पर सोए हुए भगवान को तो देखा और वहां जाके उन्होंने पूजा भी अनेक बार की, स्तुति भी अनेक बार की, परंतु बदरीनाथ ने ये श्री कृष्ण के भुजंग विहार को, ये सर्प खेल को, सर्प लीला को आज तक नहीं देखा। आज कार्य के सर पर नृत्य देख करके उनकी मनोवासना पूर्ण हो गई और इन्होंने परमानंद से पूर्ववत स्तुति पूजा करने के मन में की, स्तुति पूजा करने लगी। तो कहते हैं श्री कृष्ण के उस विचित्र तांडव नृत्य में, तांडव था ये लास्य नहीं था, तांडव था बड़ा भयानक, कपा देने वाला जगत को, छत्राकृति जितने फण थे वो सब के सब बिल्कुल टूट गए, मुख विवर से और निरंतर रक्त की उल्टियां होने लगी और कृष्ण के चरण प्रहार से वो भग्न गात्र सारे जिसके अंग टूट गए, उसने अब निश्चेष्ट होकर के ही और सोचा कि अब क्या करें, अब तो मैं वो रह नहीं गया, मैं जो काली था वो काली मानो नहीं रह गया, वो बल नहीं, वो शक्ति नहीं, वो शौर्य नहीं, वो वीर नहीं, अब उसके हिंसा अवश्य दूर है, जब तक जरा भी बल रहा तब तक हिंसा जागृत रही, अब हिंसा वृत्ति दूर हुई और भय कौन है, अब जिज्ञासा पैदा हुई, मेरे समान बलवान को, मेरे समान शक्ति वाले को जो इस प्रकार से परास्त कर सकता है, सारे गर्व को चूर्ण विचूर्ण कर सकता है, ये है कौन, मेरे मस्तक पर ये नाचने वाला है कौन, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने मन ही मन सोचा
कि जो बिना किसी भय के मेरे मस्तक पर नाच रहा, और जिसके झगस का सा बच्चा छोटा सा उसके कोमल नवनीत शरीर के चरण कमल, तो इन चरण कमलों के आघात से ये जो मेरा मेरे फण एक पहाड़ पर चोट मार दे मेरा एक फण तो पहाड़ टूट गया। इस प्रकार के बलशाली पहाड़ों का गर्भ चूर्ण कर देने वाले मेरे फण को उन्होंने चूर्ण कर दिया, तो ये है कौन है? तो सोचने लगा कि मैं एक दिन रमण दूत में जब वो दंड की पांख के आघात का महाप्रभाव मैंने समझा था, तो मेरे समान बलवीर्य वाला चाहे वो रहा भी हो तब भी मैंने गरुड़ के बल को तुच्छ माना था उस समय, और मैं गरुड़ से हारा नहीं, किंतु आज जिसने मेरे मस्तक पर चढ़कर केवल चरणों के प्रहार से कुछ किया नहीं, कुछ लाठी वाठी नहीं मारी, कोमल चरणों के प्रहार से और मेरे दर्द को चूर्ण कर दिया, नाचने लगा, तो अब तो भाई ये कोई हो चाहे उसके चरण की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। अब शरणागति की इच्छा पैदा हुई, यही श्रेयस्कर है। अब तक उसने बड़ा बल प्रकाश किया, तो सोचता है कि ये मेरी मूर्खता थी, अगर मैं पहली शरण में आ गया होता तो क्यों मेरे फन टूटते, क्यों मेरा अभिमान टूटता, ये मैंने मूर्खता थी कि मैंने छोटे के बच्चे को बच्चा समझा, ये मेरी भूल थी, मेरा अज्ञान था, ये तो मेरे मस्तक पर जो है ये महामहियान है। हे भगवान, आप कोई हो, आपकी महिमा अतुलनीय है, और आप अब अपनी ओर देख करके अपने गुण से आप मुझ पर क्षमा करिए, और ये मेरे जीवन की सदा की जो कुबुद्धि है उसे दूर करके मुझे आप चरणों में अपना आश्रय दीजिए, कृपा सकेगी, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार काली श्री कृष्ण के पद प्रहार से भग्न गात्र हो व विचूर्णित मस्तक हो करके और भगवान के ऐश्वर्य का कुछ करण उसने प्राप्त किया, और भगवान के चरणों में शरण होना ही अपना कर्तव्य समझा उसने, परंतु स्वरूप का परिचय भी नहीं दिया। है बलशाली, है महामहिमान्वित, है परम शौर्य संपन्न, और इसके शरण होना ही कर्तव्य भी है, पर ये कौन है ये उसके ध्यान में नहीं आया। तो अब उसको जो पत्नियां कहा करती थी, श्री कृष्ण का गुण गाया करती समय समय पर, जब वो शांत भाव में बैठता इसका मूड अच्छा होता, नहीं तो बिचारी डरती पत्नियां कि कहीं हम ही पर आघात कर दे, ये बड़ा उग्र है स्वभाव इसका, तो जब ये अच्छे भाव में होता तब ये पत्नियां उनको शिष्य सुनाया करती। अब उसको पत्नियों की बात याद आने लगी, तो काली की जो पत्नियां थी ये कृष्ण भक्त चूड़ामणि थी, तो कृष्ण सेवन रता थे, तो इन बिचारों को बड़ा दुख था अपने पति की दुर्गति देखकर, कि हमारा पति जिनकी हम पत्नियां, ये कितना बहिर्मुख है और कितना इसका जीवन व्यर्थ बीत रहा है हिंसा में, उनको बड़ा मन दुख होता, और बार बार प्रार्थना किया करते, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हमारे पति की दुर्गति दूर करो, इसको अच्छी बुद्धि दो, यही करना चाहिए, हितैषिता संबंध आत्मीयता अपनापन इसी में है कि हम जो अपना है उसको भगवान में लगाने की चेष्टा करें, और वो न लगे तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, इसकी दुष्ट बुद्धि को दूर करके इसको तुम ठीक करो। तो ये हमेशा बिचारी प्रार्थना किया करते, और वे समय समय पर काली के सामने श्री कृष्ण के गुण, उनका महात्म्य, उनकी लीला का वर्णन किया करती, पर वो या तो हंस देता, रावण भी हंसता था, और या सुनता ही नहीं, अपनी बात कहने लगता, चुप हो, तो सुनो हमारी बात, तो अपने गर्व की बात कहने लगता,
सुनिया सुनी कर दे पर। तो जैसे ईश्वर भूमि में बीज डाल भी दिया जाए तो अंकुरित नहीं होता, इस प्रकार से बहुत जन्मों के द्वारा संचित महान अपराध के दोष से काली का हृदय कलुषित रहा, उसने भक्ति भी उसने भक्ति का भी हो गया क्या है? भक्ति का भी अंकुरित नहीं हुआ, परंतु यहाँ एक बात दूसरी है, ये जो संसार के बीज हैं, संसार के बीज जो संसारिक फल पैदा करने वाले, ये तो ईश्वर भूमि में अगर गिरेंगे तो नष्ट ही हो जाएंगे, उनमें कभी अंकुर निकलेगा ही नहीं। पर ये भक्ति बीज है, ये चाहे आज अंकुरित न हो पर नाश नहीं होता। इसलिए भगवान की भक्ति के चर्चा, भगवत भक्ति की बात बहिर्मुखों के सामने भी हो तो उनमें ईश्वर भूमि में बीज तो डाल दिया गया, वो आज नहीं कभी वो नष्ट तो होगा नहीं और किसी न किसी दिन अंकुरित हो जाएगा। तो ये काली की पत्नियों ने पति किस प्रकार सेवा की कि उसके ईश्वर भूमि शरीर के हृदय में भगवान की भक्ति का जो बीज डालते रहते थे, देखती थी कि बीज उगा नहीं, अंकुरित हुआ नहीं, पर वे डालते रहते। तो श्री कृष्ण के भक्तों के मुख से उच्चारित निकले ये कृष्ण कथा, उनकी शुभेच्छा के साथ मिलकर यदि बहिर्मुख की कहानी में भी जाती है तो किसी न किसी दिन वो बहिर्मुख की बहिर्मुखता को दूर करके उसके अंदर भक्ति की वासना जगा देगी, इसमें कोई संदेह नहीं, ये एक सिद्धांत। तो काली बाब की पत्नियां थी बड़ी भक्त, अतः वे काली की इच्छा नहीं इतनी होती, वो सुनना नहीं चाहता, कभी कभी डांट देता और कभी कभी उड़ जाता, वहां से खड़ा हो जाता, पर वे बड़े नम्रता के साथ श्री कृष्ण जो बातें सुनाते। तो बड़ा अपराध था जन्मांतरण, ये सुन नहीं पाता, वासना जगती नहीं, अंकुर दिखता नहीं, पर श्री कृष्ण का वो जो गुणानुवाद अंदर गया हुआ बीज रूप से वो फलित होने का समय आया तो भगवान के चरणों का स्पर्श मिल गया। दमन के भाव से भी दमन करने के लिए आए ये चरण, पर उन चरणों ने आकर के किया क्या, वो जो अंदर बीज था उस बीज को अंकुरित कर दिया, इसीलिए शरणागत हुआ। तो दुर्वासना का मूल जब कट गया, दुर्वासना की जब जड़ कट गई तो बस वहीं पर क्रमशः भावोन्मेष हो गया और वो शरणागत होने लगा भगवान के। तो जैसे स्पर्श मणि का पारस का स्पर्श पाने पर लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के ये पारस रूप चरण कमलों का स्पर्श पा करके बहुमुख व्यक्ति भी भक्ति चूड़ाम भक्त चूड़ामी हो जाता है। वो त्याग बड़ी देवद्रोही था, भक्त विद्वेषी था, किंतु ये त्रिविक्रम के चरणों का स्पर्श पाती सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो गई, सदा के लिए भगवान के शरणागत हो गया। तो दृतराज बलि याद योग्य अनुष्ठान में लगे हुए ब्राह्मण सेवक दानशूर सत्यवादी मानव गुण संपन्न तो था, इसलिए वो तुरंत शरणागत उसको मिली, किंतु ये कार्य तो भक्तों का अपराधी था, गौरी का गौरी और श्रीमान वृंदावन यमुना और यमुना जल वासी जीव और ब्रजवासी देवोपदेवी सारे जीव का अनिष्टकारी था। तो क्या हुआ, उसके प्रत्येक पद में ही इसके अपराध सारे बढ़ते रहते। तो वो इन सारे कारणों से वो शंका हुई कि स्पर्श मात्र से ही ये देर क्यों नहीं लगी, दुर्वासना उसकी इतनी देर क्यों लगी। तो कहा भाई ये देर इसलिए लगी कि वो तो जिस समय चरण टिके
उसी समय निश्चय हो गया कि उसका उद्धार तो हो गया, पर जगत को दिखलाना है कि इस प्रकार से जिसका मस्तक, जिसका बदन, जिसका शरीर, जिसके अवयव दूसरों को हानि करने में, विष फैलाने में, जगत को जहर देने में, दुख देने में लगते हैं, उनका इसी प्रकार से चूर्ण विचूर्ण हुआ करता है उन अंगों का। ये दिखलाने के लिए भगवान उसके ऊपर नाचते रहे और उसकी वृत्ति सारी मिटती गई। तो जब बार बार पदप्रहार से सारे फण टूट गए, गर्भ सारा गल गया, तब दुर्वासना दूर हो गई, पर भगवान के चरणों का प्रसन्न प्राप्त करने के लिए वासना जाग उठी। तो काली के ने अपने पत्नी के मुंह से जो गुण सुना था, श्री कृष्ण का लीला सुनी थी, अब अपराध दूर होते ही पाप हटते हुए सारी बातें काली को याद आ गई, याद आ गई काली को, स्मृति पथ में आ गई। हरिओम तत्सत्।